स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक समय था जब कार में एसी का होना भी लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज एसी से भी कई ज्यादा एडवांस फीचर्स जैसे कि डिजिटल डैशबोर्ड और कैमरास कार्स में आम तौर पर पाए जाते हैं। जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अब कार्स में टेलीमैटिक्स, सेंसर्स और ऑन कॉल असिस्टेंस जैसी रियल टाइम डेटा सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। आज कार्स सिर्फ बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का एकमात्र जरिया नहीं रह गई हैं, बल्कि लोगों की लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुकी हैं। कंज्यूमर्स की ग्रोइंग डिमांड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स के यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सके। दोस्तों, आज हम दिल्ली, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो गाड़ियों की बाढ़ सी आ गई हो और हर कोई अपनी पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। मई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कंडक्ट किए गए NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक सिर्फ 8% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास कार है, यानी आज 12 में से केवल एक इंडियन फैमिली के पास कार है। 1990s तक तो कार खरीदना एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था, लेकिन 1990s में LPG रिफॉर्म्स के आने के बाद से ही इंडिया में कार ओनर्स का नंबर बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। अगर देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1950s से लेकर अब तक इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। आज ये इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जो इंडिया के GDP में 7.1% और मैन्युफैक्चरिंग GDP में 49% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि 1992 से 1993 में ये GDP का केवल 2.77% ही थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया यूरोपियन ऑटोमोटिव हब जर्मनी को पीछे छोड़कर कार सेल्स मार्केट में आज 4th पोजीशन पर पहुंच गया है। इससे पहले भी साल 2019 में भारत लार्जेस्ट कार सेल्स मार्केट लिस्ट में 4th पोजीशन पर आया था। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम 2025 तक 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के पास आज 3rd स्पॉट पर पहुंचने की हजारों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पर्सनल मोबिलिटी एरिना में व्हीकल पेनिट्रेशन रफली 33 ऑटोमोबाइल्स पर 1000 है, यानी कि पॉपुलेशन के 1000 लोगों में से केवल 33 के पास कार्स हैं। ये फिगर डेवलप्ड वर्ल्ड की तुलना में काफी कम है। जापान, कनाडा, यूके जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में 1000 में से 500 लोगों के पास कार्स हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन कार मार्केट की अग्रेसिव ग्रोथ के चलते व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है, और वो भी स्पेसिफिकली उन व्हीकल्स की जो मेड इन इंडिया है। पर्सनल मोबिलिटी की बढ़ती हुई जरूरतों ने भी कार्स की डिमांड को बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तरह की कार्स आज इंडियंस यूज करना पसंद करते हैं उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। आज इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स की बजाय इंडियन कार ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा है। फॉरेन ब्रांड्स अब इंडिया को छोड़कर वापस जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडियन कार ब्रांड्स आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और क्यों उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इकोनॉमिक सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीप्लस मेंस के लिए स्टडी आईक्यू का लास्ट लाइफ फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इम्पोर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31st of October है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझने से। दोस्तों, भारत हमेशा से ही मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन रहा है, जहां मेजर इन्वेस्टमेंट्स जापान, इटली, US, मॉरिशियस और नेदरलैंड से आती हैं।
इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को चार मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सेगमेंट टू व्हीलर्स का है, जिसमें मोटरसाइकिल्स और गियर्ड और अनगियर्ड स्कूटर शामिल है। दूसरा सेगमेंट आता है थ्री व्हीलर्स का। तीसरा सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल्स का है, जिसमें कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स शामिल हैं। और चौथा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का, जिसमें लाइट, मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स को रखा जाता है। दोस्तों, यंगस्टर्स इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा फॉर्म करते हैं, जिसके चलते अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेंट शेयर रहा है, जो कि इंडस्ट्री का लगभग 80% है। 1980s तक कमर्शियल व्हीकल्स सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट बनाते थे, लेकिन 1980s के बाद से ये पोजीशन पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि कार्स और अदर यूटिलिटी व्हीकल्स ने ली, जिनका शेयर लगभग 13% है। तो अगर इंडियन कार इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिजिनस पैसेंजर कार इंडस्ट्री की शुरुआत 1940s में हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने यूके की मॉरिस मोटर के साथ कोलैबोरेट कर कोलकाता में हिंदुस्तान एम्बेसडर को लॉन्च किया। इंडिया में बनने वाली पहली कार थी। 1970s तक मार्केट शेयर का मेजर हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के साथ साथ टेल्को, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो का रहा। उस समय लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के चलते ऑटोमोबाइल्स का मार्केट बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, आम आदमी के लिए मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट, अफोर्डेबल और लो कॉस्ट यूटिलिटी कार्स की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1981 में एक इंडियन कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड को देश के मिडिल इनकम क्लास के लिए एक एफिशिएंट कार बनाने के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को एक माइनर पार्टनर के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया। 1984 में MUL ने मारुति 800 लॉन्च की। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश की पहली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कार बनी। एक दशक के अंदर ही MUL ने 62% ऑफ मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया था। पैसेंजर कार सेगमेंट में अभी भी तीन प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के नाम ही शामिल थे, MUL यानी मारुति उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। 1980s में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फोर जापानीज फर्म्स, टोयोटा, मिसुबिशी, माजदा और निसान को भी अलाउ किया गया, लेकिन ये कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ इक्विटी शेयर करती थी। 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए, इसके चलते इंडिया की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में सिग्निफिकेंट बदलाव हुए। 1993 में एक नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसके तहत देश में ग्लोबल असेंबलर्स को एंट्री मिली। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कंपोनेंट्स के लोकलाइजेशन को एम्फेसाइज किया। व्हीकल्स के लिए मास एमिशन रेगुलेटरी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए और इसी दौरान नेशनल हाईवे पॉलिसी भी अनाउंस की गई। 1997 में ज्वाइंट वेंचर्स का ऑटोमेटिक FDI अप्रूवल परमिट किया गया, जिसके तहत फॉरेन पार्टनर्स 51% मेजोरिटी शेयर रख सकते थे। लिबरलाइज्ड पॉलिसीज और अनसैचुरेटेड मार्केट को देखते हुए बहुत से ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ऑटोमेकर्स इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में एंटर होने लगे। जापानीज पार्टिसिपेशन से इंडियन पैसेंजर कार मार्केट के स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। M&M, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स और DCM जैसी इंडियन कंपनीज ने फोर्ड, मर्सिडीज, जनरल मोटर्स और पीयूट के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश किए और मीडियम साइज्ड कार्स को असेंबल करना शुरू किया। इससे मार्केट कंपटीशन काफी बढ़ गया। इन सभी बदलावों के चलते इंडस्ट्री में डायनेमिज्म, डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंस कंपटीशन ने जन्म लिया। ऑटोमोबाइल्स के बाकी सभी सेगमेंट्स की तुलना में पैसेंजर व्हीकल्स में फॉरेन प्रेजेंस सबसे ज्यादा दिखाई देने लगी। हालांकि ज्यादातर फॉरेन पार्टनर्स से इक्विटी की इक्वल शेयरिंग से शुरुआत की थी, लेकिन अब टोटल या ग्रेटर शेयर इन्हीं का होने लगा। इंडियन पार्टनर्स कैपेसिटी एक्सपेंशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने में सक्षम नहीं थे, जिसके चलते फॉरेन पार्टनर्स अपना स्टेक बढ़ाते गए। मॉडर्न प्लांट्स बनाने के लिए MNCs द्वारा FDI का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट देश में निवेश किया जाने लगा। पोस्ट 2000 पीरियड मारुति सुजुकी जैसी इंडियन फर्म्स ने स्लोली अपनी डिजाइन और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को डेवलप करना शुरू किया। 1998 में टाटा मोटर्स ने फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन कार टाटा इंडिका लॉन्च की। 2002 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक SUV यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। 2004 में टाटा मोटर्स ने डाइमलर बेंज के साथ मिलकर मर्सिडीज बेंज पैसेंजर कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक JV साइन किया। द मर्सिडीज बेंज इंडिया लिमिटेड ने फॉरेन से इम्पोर्ट की जाने वाली यूनिट्स को कंप्लीटली नॉकडाउन कर दिया। MNCs इंडिया को अपने ओवरसीज नेटवर्क के लिए एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म की फॉर्म में यूज करने लगी। स्मॉल कार सेगमेंट ने बेहतरीन परफॉर्म किया
और इंडिया स्मॉल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में देखा जाने लगा। इंटरनेशनल फर्म से आ रहे कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल करने के लिए इंडिया की कंपोनेंट इंडस्ट्री को अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट क्वालिटीज और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके चलते भारत की कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगी। न्यू जनरेशन व्हीकल्स के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबिलिटीज डेवलप की जाने लगी, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी लेवल पर कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड प्रिसीजन मशीनिंग और फैब्रिकेटिंग यानी कि वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जैसी अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को भी मेंटेन किया। अपडेटेड और ट्रेडिशनल कैपेबिलिटीज के कोलैबोरेशन से इंडियन कंपनीज ने लोकल डिजाइन के थ्रू लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। इंडिया के डोमेस्टिक कार मेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स, M&M एंड अशोक लेलैंड ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेस्टिंग सेंटर्स डेवलप किए। इतना ही नहीं बल्कि इंडियन कंपनीज ने ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलायंस करने शुरू किए और देखते ही देखते इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने ओवरसीज मार्केट्स को भी केटर करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना कंपनीज की बिजनेस स्ट्रेटजीज का ही एक पार्ट था, जिससे कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके। लो कॉस्ट ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई और साथ ही साथ इसने डोमेस्टिक मार्केट में चल रही वीक डिमांड को ऑफसेट किया। अब इंडिया स्मॉल कार्स के लिए एक आइडियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होने लगा था। एज ऑफ टूडे लार्ज स्केल प्रोडक्शन को स्पीडअप करने के लिए गवर्नमेंट ने 100% FDI परमिट कर दी है। आज इंडिया ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स और कंपोनेंट्स के लिए चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन गया है। ये लार्ज कार्स के लिए असेंबली हब और स्मॉल कार्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है और माना जा रहा है कि 2026 तक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बाय वॉल्यूम होगी। आज इंडियन ब्रांड्स खुद की R&D के साथ साथ ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क के साथ भी एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा वे दुनिया भर से सूटेबल टेक्नोलॉजीज को सोर्स भी करते हैं। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को शेप करने में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का अहम योगदान रहा है। गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कई इनिशिएटिव्स जैसे कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026, स्क्रैपेज पॉलिसी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते इंडिया टू व्हीलर और फोर व्हीलर मार्केट में लीडर की तरह उभरकर सामने आया। FDIs ने भी इंडियन ब्रांड्स की प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। इन सभी कारणों के साथ साथ फर्म स्ट्रेटजीज, ओनरशिप और टाटा और M&M जैसी बिग बिजनेस ग्रुप्स की मैनेजरियल विजन का भी इंडियन कार्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में अहम योगदान रहा है। टाटा के हेड रतन टाटा का फर्स्ट इंडियन कार और फर्स्ट पीपल्स कार डेवलप करने के विजन ने ही टाटा इंडिका और टाटा नैनो को जन्म दिया। इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल इकोनॉमिक क्लास का होना, जो कि एक अनसेचुरेटेड डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करती है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ा देती है। साथ ही इंडिया में लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल होने के कारण यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम है। इसके अलावा यहाँ स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट भी मौजूद है। आज इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 से 2030 के बीच EV मार्केट 49% से ग्रो करेगा और 2030 तक 10 मिलियन यूनिट एनुअल सेल्स को हिट करेगा। इंडियन कार कंपनीज को लीडिंग कार प्रोड्यूसर्स जैसे कि जर्मनी और UK से कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि इन कंपनीज को डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है और फिर भी ये कंपनीज अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हैं। ठीक इसी तरह इंडियन ब्रांड्स को ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की जरूरत है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशन की कमी है, जो कि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी अचीव करने और लो कॉस्ट एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का भी कंटिन्यूस अपग्रेडेशन इंडियन ब्रांड्स को आने वाले वक्त में फॉरेन कंपनी से कम्पीट करने में मदद करेगा। ग्रीन और रिकॉग्नाइज हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाइंट नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, ताकि इंडिया वैल्यू चेन में और ऊपर बढ़ सके। दोस्तों, इंडियन कार ब्रांड्स का प्रेजेंट सिनेरियो में वेल परफॉर्म करना और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पिटिटिव रहना ना सिर्फ इन सभी इंडियन कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, पर साथ ही ये देश की इकोनॉमी के दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इंडियन ब्रांड मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इससे ना सिर्फ आम जनता को सस्ती और स्वदेशी गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही ये हर साल फॉरेन ब्रांड्स को रॉयल्टी के नाम पर मिलने वाले लाखों करोड़ों रुपयों को आउटफ्लो करने से भी रोक पाएगा। देश की इकोनॉमी एक क्लोज सर्किट की तरह है,
जहां सर्किट का हर तार एक दूसरे से जुड़ा है, जहां सर्किट के किसी एक तार पर पड़ने वाला बल का प्रभाव दूसरे सभी तारों पर देखने को मिलता है। इंडियन कार ब्रांड्स का अच्छा परफॉर्म करना उन हजारों भारतीयों के जीवन यापन के लिए भी जरूरी है जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। साथ ही इंडिया में बनी कार्स एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेंगी, जो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पर हमने डिस्कस करा कि कैसे भारतीय कार कंपनियों ने अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बनानी शुरू कर दी है और आगे के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने हमसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कार ब्रांड्स नॉट ओनली प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द इंडियन कंज्यूमर्स बट ऑल्सो स्ट्रेंथन ओवरऑल इकोनॉमी, एक्सप्लेन। And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।